वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं इसमें। और सबसे पहले सेक्शंस बटे हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स है, फिर रोमन ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो मतलब ग्लोबल कवरेज होगा चीज़ों का, फिनोमिनास का। करते हैं वन बाई वन। पहला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? हेरोडोटस, इरेटो, स्थनीस, पोसाइडोनस एंड टॉलमी। फेमस तो इसमें हेरोडोटस और टॉलमी है, लेकिन जो बंदा नहीं फेमस है, इरेटो स्थनीस, ये था इरेटो स्थनीस ऑफ साइरिन, जिसने सबसे पहले वर्ड लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन मेरेडियन एंड इक्वेटर ऑन ग्लोब। अब ये मेरेडियन और इक्वेटर का रेशियो कोई पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, बट 2:1। कॉन्टिनेंट थ्रू विच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन पास। तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ, अफ्रीका है। अफ्रीका का जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, अफ्रीका से इक्वेटर जाती है, कांगो से होते हुए, जिम्बाब्वे से होते हुए, इक्वेटोरियल गुनिया के आसपास, और उसके इक्वेटोरियल गुनिया तो थोड़ा सा ऊपर, ऊपर वाला जो अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है। नीचे वाले साउथ अफ्रीका तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी आ जाता है। तो ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाए और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी जाए, तो वो अफ्रीका है। लेंथ ऑफ द डे एट द इक्वेटर इज ऑलवेज चलसा, तलवार सा। बिल्कुल सही बात है कि इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन इज सन्स रेज एट द इक्वेटर कॉन्स्टेंट, क्योंकि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री। बट उस टिल्ट की वजह से इक्वेटर पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेटर को यूनिफॉर्म लाइट मिलती रहती है, सनलाइट हमेशा 365 डेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइन एट 23.5। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस से इंक्लाइन है, ये बात सही, इंक्लाइन है, एक ही नहीं है मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस, बट वो टिल 23.5 ना होके 11.5 का, 11.5 डिग्री का है। दूसरा, अर्थ मैग्नेटिक पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड इन ए पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा। ये बिल्कुल सही है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो नॉर्दर्न कनाडा की तरफ है, एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पे नहीं है। और मैं ये बता दूं, कनाडा में भी नहीं है, कनाडा पे था, शिफ्ट होते होते वो कनाडा से साइबेरिया की तरफ आ रहा है। अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पास थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया, सही बात है। अर्थ इंडिया इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं है, बट जो थुम्बा है केरला में, वो मैग्नेटिक इक्वेटर पे पास करता है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए, थुम्बा केरला में मैग्नेटिक इक्वेटर पे पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेटिट्यूडनल जोन ऑफ ओशियन सलाइनिटी। सबसे ज्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा सलाइन होगा वो रीजन जो डेजर्ट वाला रीजन है, 30 डिग्री वाला, मतलब 15 से 40। तो 15 से 40, उसके बाद सबसे क्लियर वाटर होगा 50 से 70 का। 15 से 40 सलाइन, फिर उसके बाद 10 से 15 वाला, फिर 40 से 50 वाला, फिर 50 से 70 वाला। 50 से 70 ऊपर जितना जाओगे उतना क्लियर वाटर होगा, सलाइन नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ इज नॉट एक्सप्लेन बाई टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस एक ऑब्सोलीट साइंटिफिक थ्योरी है, मतलब जैसे अर्थ की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है लिथोस्फेयर की, उससे पहले, प्लेट टेक्टोनिक से पहले चलती थी टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। तो वो जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ इज नॉट एक्सप्लेन, वो अर्थ में कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाई। टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, फोल्ड माउंटेन, एंटीपोडल अरेंजमेंट, ट्राइंगुलर शेप ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ये सब तो एक्सप्लेन कर गई, बट वो उस कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस फेल हो गई। अगला, आइदर ऑफ द टू बेल्ट ओवर द ओशन एट अबाउट 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज हॉर्स लेटिट्यूड। बिल्कुल सही है, पुराने जमाने में 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ जो रीजन होता है, वो हाई प्रेशर का रीजन, जहाँ पे विंड नहीं चलती है, थोड़ा सा ड्राई रीजन हो जाता है, वहां पे घोड़ों को फेंक देते थे सबसे, इसलिए हॉर्स लेटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स लेटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट होते हैं, हॉर्स लेटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट तो नहीं होते, हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, 1 ओनली 8 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, सही है। कैप्रिकॉन 23.5 साउथ, बिल्कुल सही है। आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, सही है। एंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ, बिल्कुल सही है, सब तो सही है। ए
सारे 1 2 3 4 बिल्कुल उसी ऑर्डर में। नेक्स्ट 0 डिग्री लैटिट्यूड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, नहीं तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 है, 88.5 दे रखा है, बट इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 है। और यूपी से पास करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है, आर्कटिक सर्कल 66.5 है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्केटर प्रोजेक्शन हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग नेविगेशनल चार्ट, बिल्कुल सही है। और लॉक्सोड्रोम्स आर यूज्ड एज स्ट्रेट लाइन ऑन दिस, दोनों सही लग रहे हैं मुझे, तो ए है, यानी कि दोनों सही है और इसका रीजन भी। द एंड द नहीं एक और भी क्वेश्चन, द इक्वेटर पासेस थ्रू कैमरून, कोस्टारिका, केन्या, वेनेजुएला। कैमरून से तो नहीं करता है, कोस्टारिका से भी नहीं करता है, वेनेजुएला से भी नहीं करता, केन्या से करता है, इक्वेटर केन्या से पास करता है। 90 डिग्री ईस्ट रिज इंडियन ओशन में है, और ये अंडमान निकोबार से पास करती है 90 डिग्री ईस्ट रिज। और इनर सेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, ये अटलांटिक ओशन में होगा, अफ्रीका के लेफ्ट इक्वेटोरियल गुनिया के आसपास। विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नीचे वाला, ऊपर वाला कैंसर, नीचे वाला कैप्रिकॉन, दो बार साउथ अफ्रीका के आसपास कोई रिवर होनी चाहिए। नाइजर तो है नहीं, वेस्ट अफ्रीका की है, कांगो सेंट्रल अफ्रीका की है, लिम्पोपो जम्बेजी में से कोई होना चाहिए, मेरे हिसाब से लिम्पोपो है। लिम्पोपो अफ्रीका की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार क्रॉस करती है और वो इंडियन ओशन की तरफ आती है। वॉट आर द डेट्स ऑन विच डे एंड नाइट ऑन इक्वल ऑन बोथ द हेमिस्फीयर, मतलब ये होना चाहिए इक्विनॉक्स, मार्च 21 और सितंबर 23। वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स, सोलस्टिस पे तो नहीं होगा इक्वल, डे और नाइट। आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ डिपिक्टिंग द सेम मीन वैल्यूज ऑफ सनसाइन आर नोन एज सनसाइन, आइसो हेड तो बारिश होती है, आइसो हेल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई 49th पैरेलल, 49th पैरेलल की लाइन आई थिंक यूएसए और कनाडा के बीच में है, 49th पैरेलल। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट। विच कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। एशिया हैज लार्ज एरियाज ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, क्योंकि रेनफॉल कुछ कुछ जगह एशिया में सीजनल होती है, स्केंटी होती है। नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यह सबको पता है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। अलनीनो इज अ टेम्परेचर राइजिंग फिनोमेनो ओवर द पैसिफिक ओशन एंड यूजली कॉजेस ड्राई मॉनसून इन साउथ एशिया, बिल्कुल सही है। सुनामीज आर यूजली नॉट नोटिस एट द मासिव ओशन विन मूव साइलेंटली, बट जब वो सैलो वाटर की तरफ, कॉन्टिनेंटल सैलो की तरफ आती है तो वो उनकी हाइट बढ़ जाती है, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, इसका बी होना चाहिए, इन्होंने गलती से दे रखा, बट मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। अगला, मैप्स दैट आर यूजली रेफरिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैप्स, और कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मैप्स आर यूज्ड टू शो लोकेशन ऑफ अ डिफरेंट फीचर एंड एक्टिविटीज, दोनों सही लग रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं भी। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज, करीब अर्थ का इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस बाई रेडियस है 6000 2π, यानी 6 × 6 = 36, तो 40,000 किलोमीटर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेट सर्किल, कई सारे ग्रेट सर्किल होते हैं, इक्वेटर भी ग्रेट सर्किल है, सिर्फ अगर ग्रेट सर्किल पे चलेगा तो फ्यूल और टाइम बचाएगा। ओनली वन सर्किल गलत है, सी ऑप्शन गलत है, ग्रेट सर्किल जब तो सेंटर से होते हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक कंट्री, बेल्जियम नॉर्थ सी पे खुलता है आई थिंक, हंगरी लैंड लॉक्ड है, रोमानिया लैंड लॉक नहीं है, ब्लैक सी, यूक्रेन ब्लैक सी, तो आई थिंक हंगरी है जो लैंड लॉक्ड है, बाकी यूक्रेन को ब्लैक सी मिलेगा, रोमानिया को ब्लैक सी मिलेगा, बेल्जियम को नॉर्थ सी मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एरिया, बोनियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन, आई थिंक इनमें सबसे बड़ा बोनियो है, फिर उसके बाद मेडागास्कर होगा, ब्रिटेन तो बहुत छोटा है, बोनियो, मेडागास्कर, सुमात्रा होगा, फिर ब्रिटेन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद द कैस्पियन सी, ईरान है कैस्पियन सी पे, कजाकिस्तान है, अजरबैजान भी है, बाकू तो कैस्पियन सी पे ही है, बाकू अजरबैजान की जो कैपिटल है वो कैस्पियन सी पे ही है, इराक नहीं है कैस्पियन सी पे, पाल्क स्टेट इंडिया और श्रीलंका, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद इसराइल, तो टर्की नहीं है ना, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, फर्स्ट होगा।
रिवर और सिटी को आइडेंटिफाई करना है, मैच करना है। खार्तूम यानी कि सूडान, सूडान खार्तूम तो नाइल पे होगा, नाइल जब ऊपर चलती है तो खार्तूम पड़ता है। ब्राजेविले जायरे रिवर, कांगो रिवर पे है, जायरे लिखा हुआ है, ब्राजेविले जायरे। रॉटरडम राइन रिवर पे है, राइन रिवर इसीलिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्मनी से निकल के ऊपर जाती है, एम्स्टर्डम रॉटरडम राइन पे बढ़ते हैं। पेरिस सीन रिवर पे। कंट्री और कैपिटल, गिनिया बिसाओ की बिसाओ, ताइवान की ताइपे, निकारागुआ की मनागुआ, सब सही है, मालदीव की मलाबो गलत है, मालदीव की मले। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट, बोर्नियो, गिनिया, मेडागास्कर, सुमात्रा। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बोर्नियो मेडागास्कर से तो बड़ा था, अब देखिए न्यू गिनिया और सुमात्रा भी आ गए एंगल में, और न्यू गिनिया भी अच्छा खासा बड़ा है, सुमात्रा भी बड़ा है, लेकिन ऐसा ऑर्डर है कि बाली सबसे छोटा, फिर बड़ा है जावा, फिर बड़ा है सुमात्रा, सुमात्रा से बड़ा है बोर्नियो। बोर्नियो वो है जिसमें ब्रुनेई है, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई तीनों जिसमें है वो बोर्नियो है, और बोर्नियो न्यू गिनिया से भी बड़ा है, न्यू गिनिया में पापुआ न्यू गिनिया और इंडोनेशिया दो की कंट्रीज हैं। तो बोर्नियो बड़ा है, फिर न्यू गिनिया है, फिर मेडागास्कर है, फिर सुमात्रा है। आइलैंड ऑफ होंसू जापान में, टकला मकान चाइना में है। ड्राइस्ट डिजर्ट कौन है? अटाकामा, सबको पता है अटाकामा है, चिली, चिली का अटाकामा सबसे ड्राइस्ट है, वो रेन शैडो इफेक्ट पड़ जाता है ना माउंटेन्स के एंडेस का, इसलिए अटाकामा सबसे ड्राइस्ट डिजर्ट है। चलिए भैया ह्यूमन जियोग्राफी पे आते हैं, व्हाट व्हाट की 30 ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो मानसून फॉरेस्ट जो इंडिया में मिलते हैं वही ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट ही है, वो एवरग्रीन तो नहीं है, कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट भी केला वेला में मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, बिल्कुल सही है। हार्डवुड इनमें साल, टी को सीसम, बिल्कुल सही, इंडिया में ये तो फेमस है साल, टी, टेक्टोना ग्रांडेस, सीसम, दलबेरिया, सीसू। टाइगर लाइन, एलिफेंट, मंकी, यहाँ के ही तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सही है, तो सारे सही है, डी ऑल ऑफ देम। मैच कराना है ग्रासलैंड से, डाउन पंपास वेल्ड प्रेरी, डाउन ऑस्ट्रेलिया, डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया का होगा डाउन, अर्जेंटीना का होगा पंपास, नॉर्थ अमेरिका होगा प्रेरी, साउथ अफ्रीका होगा वेल्ड। मैच द एनिमल विद दिस हैबिटेट, एनिमल एलिफेंट, एलिफेंट मिलेगा आई थिंक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, सिल्वर फॉक्स मिलेगा मेडिटेरियन में, वाइल्ड बिफेलो या बाइसन अमेरिका के मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड में, हॉर्स टैगा, टैगा टेम्परेट ग्रासलैंड डिफरेंट रीजन में अलग अलग जगह नाम से जाना जाता है, नेम और रीजन। वेल्ड, वेल्ड आई थिंक साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका कंट्री नहीं, सदर्न अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका, लिसोटो, मोजाम्बिक, इन सब जगह वेल्ड मिलते हैं ग्रासलैंड। डाउन्स, डाउन 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 ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी सेंट्रल एशिया, पेरी नॉर्थ अमेरिका, और स्टेपी सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, रसिया, पेरी नॉर्थ अमेरिका। ठीक, अब आते हैं रेंचेज, रेंचेज लार्ज कैटल फॉर्म, बाइसन, अमेरिकन बफेलो, अल्फा अल्फा मेडिसन, कंबाइन दैट कैन यू कैन स्लो फ्लो इन वर्क, सारे तो सही लग रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, सवाना ईस्ट अफ्रीका, हाँ सही तो है, अफ्रीकन सवाना, पेरी नॉर्थ अमेरिका, ये भी सही है, वेल्ड यूरोप, नहीं, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में है, नहीं, डाउन ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, वेल्ड यूरोप नहीं है, वेल्ड साउथ अफ्रीका है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में 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 है, यूरोप में नहीं है। ट्रीज इन मेडिटेरियन रीजन है थिक बार्क, हाँ वो इसलिए होता है क्योंकि मेडिटेरियन में समर ड्राई होता है, विंटर में रेनफॉल होती है, अब ड्राई समर में पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा तो पेड़ सूख जाएंगे, तो उसके लिए मोटी छाल होती है, थिक बार्क। इट इज एडाप्टेशन टू लॉन्ग समर ड्रॉट, दोनों सही लग रहे हैं मुझे। याक एक इंपॉर्टेंट एनिमल है तिब्बतन आइलैंड का, बिल्कुल सही है, दिस इज स्मॉल एनिमल रिक्वायर लेस ग्रीजिंग, स्मॉल एनिमल तो नहीं है भाई, पहला सही दूसरा गलत, ग्रीजिंग तो खूब करता है पूरे दिन भर, याक ग्रीजिंग ही करता रहता है। नेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जापान, तो आइनू, आइनू है, एस्किमो तो नहीं है, फूला, हॉटेंटॉट, हॉटेंटॉट तो अफ्रीका के हैं, एस्किमो कनाडा, फूला अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, आइनो जापान।
विंटर स्नो हाउस ऑफ एस्किमोज आर कॉल्ड इग्लू. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री हाईर है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सही लग रहे हैं दोनों. दे आर डिस्पार्टीज इन रीजनल डेवलपमेंट ऑन ए ग्लोबल स्केल विद इन ईच कंट्री टू. बिल्कुल सही बात है. सच डिस्पार्टीज आर मेनली ड्यू टू एडिक्यूट स्किल लेवल. नहीं, ऐसा नहीं है, जियोग्राफिकल रीजंस और भी हैं, लेबर ही नहीं है सिर्फ. द ग्रुप्स ऑफ पीपल इनहेबिटिंग एशियाटिक टुंडा इज कॉल्ड. एशियाटिक टुंडा मतलब साइबेरिया, टुंडा टैगा. तो एशियाटिक टुंडा में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आई थिंक समोयड बोलते हैं. समोयड पीपल जो हैं वो एशियाटिक टुंडा. किर्गिज तो किर्गिस्तान में होंगे. गुआचो तो मैक्सिकन लग रहे हैं, स्पेनिश टाइप के. वेड्डा श्रीलंका के हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में आई थिंक वेल्ड अभी रटा था. वेल्ड साउथ अफ्रीका डाउन. ऑस्ट्रेलिया, पंपास, अर्जेंटीना, स्टेपी 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 नॉर्थ अमेरिका. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल किसने दिया था? फ्रैंक वॉलेस नॉर्टेस्टाइन, FW नॉर्टेस्टाइन बी. विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कोनीफरस फॉरेस्ट? ये बहुत फेमस है. कोनीफरस फॉरेस्ट में पॉडजोल मिलती है. साइबेरिया रसिया वाले जो कोनीफरस फॉरेस्ट हैं, जो टैगा हैं, उनमें पॉडजोल मिलती है. चनोजेम मिलती है ग्रासलैंड में. चनोजेम मिलती है ग्रासलैंड में. रेगुर है ब्लैक कॉटन सॉइल. चेस्टनट कौन सी सॉइल होती है मुझे पता नहीं, बट जो पॉडजोल है वो कोनीफरस फॉरेस्ट में मिलती है, टैगा में मिलती है. पॉडजोल मिलती है कोनीफरस फॉरेस्ट में. पॉडजोल मिलती है कोनीफरस फॉरेस्ट में. पॉडजोल मिलती है कोनीफरस फॉरेस्ट में. एबोनी और महोगनी ट्रीज किससे एसोसिएटेड हैं? एबोनी और महोगनी आई थिंक इंडिया में मिलते हैं और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब केरला एला साइड मिलते हैं. अब एबोनी, महोगनी, रोजवुड, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल जो है साल भर में हो जाता हो, 15 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रहता हो, डेंस मल्टी लेयर्ड हो, कई सारे प्लांट और एनिमल. एबोनी, महोगनी, काली लकड़ी वाले, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं. परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज हाइएस्ट इन आई थिंक परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज हाइएस्ट इन. अगर हम रसिया को यूरोप में ले लेंगे तो साइबेरिया आ जाएगा जो पूरा फॉरेस्टेड है. तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो यूरोप, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, फिर ओशिनिया. ओशिनिया एशिया में सबसे कम. तो वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लांट इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड को पेम्पास बोलते हैं. स्टेपी नॉर्थ अमेरिका में, पेरी नहीं, स्टेपी सेंट्रल एशिया में, पेरी नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपी सेंट्रल एशिया में. और सेल्वास, सेल्वास तो फॉरेस्ट लैंड होती है, ग्रास लैंड होता ही नहीं है. अल्फा अल्फा एक क्रॉप है, वो भी फॉरेज मतलब चरने के लिए जानवरों को दे दो, फॉरेज क्रॉप. लैंग्वेज सबसे ज्यादा कौन कौन सी बोली जाती है? भाई इंग्लिश है, फिर नहीं, सबसे ज्यादा चाइनीज है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर स्पेनिश है. ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, बिल्कुल सही है. पेनाइन फ्रांस में नहीं, ब्रिटेन में है. सिरे नेवादा कनाडा में नहीं, यूएस में है. वॉर्जेस फ्रांस में है. तो इकलौता ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का मैच है. ट्राइब और रीजन मैच कराने हैं. सेमांग जो है, सेमांग सेमांग आई थिंक सेमांग सेमांग कांगो मलेशिया. सेमांग मलेशिया के निग्रो हैं. वैसे मलेशिया के नाम से लोगों को मंगोलाइड फीचर याद आता है, बट सेमांग मलेशिया के निग्रो हैं. वही निग्रो हैं जो अंडमान में मिलते हैं, उन्हीं के भाई बंधु सेमांग हैं मलेशिया में. किर्गिज सेंट्रल एशिया. बुशमैन कालाहारी डिजर्ट. पिग्मी कांगो बेसिन. करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 6 कंट्रीज. यार चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान. ट्राइब और कंट्री बर्बर, मोरक्को. बिल्कुल सही है. इनसीट लिखा, बड़ी इनुइट्स होना चाहिए. कनाडा भी सही है. सेमांग इंडोनेशिया गलत है, सेमांग मलेशिया में मिलते हैं. वेड्डा श्रीलंका में. बिल्कुल सही है. वेड्डा वेड्डा बिल्कुल इंडिया जैसे, इंडियन जैसे ही है. हिंदू धर्म भी फॉलो करते हैं और श्रीलंका के ट्राइबल्स हैं. वेड्डा. साल ट्रीज आर ट्रॉपिकल टिपिकल स्पीसीज ऑफ. साल 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 ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल रेन. ट्रॉपिकल मानसून होना चाहिए. इंडिया में मिलता है साल. साल जो है वो छत्तीसगढ़ में खूब मिलता है. साल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है एक बार देख लेते हैं. साल ट्री का बायोलॉजिकल नेम, साल
ट्री बायोलॉजिकल, सोरिया रोबस्टा। हाँ सोरिया रोबस्टा जो है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट में को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कल्चरली क्लोजर टू इंडिया बट इथनिकली क्लोजर टू चाइना? साल्ट ट्री, सोरिया रोबस्टा, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कल्चरली क्लोजर टू इंडिया बट इथनिकली क्लोजर टू चाइना? साउथ ईस्ट एशिया है जिसका कल्चर तो इंडिया से मिलता है बट इथनिकली वो चाइना से मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया, आई थिंक डी होना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे आसियान कंट्रीज हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, इथनिकली चाइनीज जैसे हैं बट कल्चरी ईस्ट इंडिया का है। पॉलिनेशिया तो नहीं है, वेस्ट एशिया तो नहीं है, सेंट्रल एशिया तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ तो इस्लाम ने इनक्वायर कर लिया था तो सब इस्लाम बन गया था। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्ट? पहला, इन 1973 यूनेस्को लॉन्च ए वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम ऑन मैन एंड बायोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, 72-73 के टाइम की बात है, इंदिरा गांधी ने जब यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन वगैरह स्टार्ट किया था तो वही 72-73 का टाइम है जब यूनेस्को ने एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया था मैन एंड बायोस्फीयर का। सही लग रहा है पहला, लेकिन पूछा नॉट करेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व प्रमोट करते हैं रिसर्च इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है, इकोलॉजी अगर आपको जाननी है तो आप बायोस्फीयर रिजर्व को देखो। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, नहीं गलत बात है, नंदा देवी उत्तरांचल में है। बायोस्फीयर रिजर्व सा मल्टी पर्पज प्रोटेक्टेड एरिया टू प्रिजर्व द जेनरिक जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम्स। दी भी सही है, बस नंदा देवी वाला गड़बड़ लग रहा है। उत्तराखंड में करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 6 कंट्रीज, चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। सी मैच द फॉलोइंग वेजिटेशन एंड एनुअल एनफॉल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसोडियस, ट्रॉपिकल ड्राई, एरिड। एरिड सबसे कम होगा, लेस देन 50 होगा। ट्रॉपिकल ड्राई फेरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, 50 से 100 होगा। ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट 100 से 200 सेंटीमीटर वाला होगा और एवरग्रीन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला होगा। वाई साउथ ईस्ट एशिया इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीजेंट पॉपुलेशन ऑन द ग्लोबल स्केल? किसानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया में क्यों है? क्योंकि दिस एरिया इज डोमिनेटेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फेवरेबल टेरेन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, रीजन इज फेवरेबल एंड हेल्थियर क्लाइमेट है, लार्ज फॉरेस्टेड एरिया विच इज क्लियर फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। मुझे डी सबसे ज्यादा सही लग रहा है निकला, लेकिन बी, यहाँ पे लोगों को सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है करते हैं, मतलब खुद के कमाने के, खुद के खाने के लिए यहाँ पे करते हैं। हाई आउटपुट ऑफ लैंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मानसून टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा साउथ ईस्ट एशिया लिखा था क्या? लिखा था साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ एशिया और ईस्ट एशिया दोनों आ गए उसमें। ठीक है। मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व एंड प्लेसेस। मानस, मानस तो आसाम में है, मानस तो आसाम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नोकरेक मेघालय, अच अचनामकर अमरकंटक छत्तीसगढ़। अमरकंटक मध्य प्रदेश लगता है बट अचनामकर अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाला एरिया है। ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड बायोमास इज इन फॉरेस्ट, टॉप सॉइल, ओशन, फ्रेश वाटर वेटलैंड। आई थिंक ओशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला, बायोमास इज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 90% ऑफ द बायोमास इज इन ओशन। नहीं, ओशन में ही है। वेजिटेशन टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज एक्सपेंस ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड श्रब लाइंग बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल स्टेपीज एंड डेजर्ट्स एंड फ्लैट टॉप ट्रीज। फ्लैट टॉप ट्रीज मतलब कनोपी नहीं होती। मिक्स लीफ फॉरेस्ट, मिड लैटिट्यूड ब्रॉड लीफ मिक्स फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सवाना, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड। आई थिंक ट्रॉपिकल सवाना लग रहा है। सवाना एक ऐसा ग्रासलैंड है जहाँ पे श्रब बीच बीच, श्रब ही होती है और ट्रीज बीच बीच में होते हैं, रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में मिलता है सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और इधर साइड ऑफ इक्वेटर मिलते हैं। सवाना इसका बिल्कुल सही रीजन है,
अफ्रीकन सवाना हो, चाहे वो अमेजनियन सवाना हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया का सवाना हो। स्प्रूस और सेडार किसकी वेराइटीज हैं? आई थिंक स्प्रूस और सेडार दोनों, सेडार मतलब देवदार, स्प्रूस ये कोनिफरस फॉरेस्ट के हैं, टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट में है। स्प्रूस और सेडार थोड़ा सा ऊंचाई के जगहों पे मिलते हैं, टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस अबाउट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोस्फेयर? आई थिंक बायोस्फेयर सबसे पहले तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बनेगी, फिर उस पॉपुलेशन से इकोसिस्टम बनेगा, फिर उस इकोसिस्टम से बायोस्फेयर बनेगा, तो यानी कि डी होना चाहिए। लैपलैंड इज ए कल्चरल रीजन लार्जली विद इन द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ ऑफ द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। हु इनहेबिटेड इन द लैपलैंड? सामी, हामर, पादुंग, हिम्बा। सामी पीपुल, इंडोनेशियस फिनी उर्गिक पीपुल ने इनहेबिटिंग द आर्कटिक रीजन ऑफ सापमी टुडे इनकम्स अ पार्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला पेनिनसुला ऑफ रशिया एंड द बॉर्डर एरिया बिटवीन साउथ स्वीडन एंड नॉर्वे। लैपलैंड में सामी पीपुल रहते हैं। अभी देखना पड़ेगा मुझे लैपलैंड और सामी पीपुल कौन है। लैप लैपलैंड अरे कौन है? सामी, सामी पीपल। लैपलैंड फिनलैंड का एक रीजन है। लैपलैंड इज द लार्जेस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ फिनलैंड। इसको यार मैप में देखते हैं कहाँ है लैपलैंड। लैप लैंड मैप। अच्छा ये फिनलैंड का जी है लैपलैंड। आर्कटिक सर्किल से भी ऊपर पड़ जाता है लैपलैंड। इसको तो मुझे यूरोप में डालना पड़ेगा। यूरोप आर्कटिक सर्किल के ऊपर। जटलैंड तो पता था, अब लैपलैंड जानो। ये रहा आपका भैया लैपलैंड। लैपलैंड अब ये लैपलैंड में कौन रहता है ये भी बता दो। लैपलैंड में मिलते हैं रेंडियर और कोनिफरस फॉरेस्ट। बायोजियोग्राफी में डालो ब्लॉक माउंटेन, जियोमॉर्फोलॉजी, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल एंड वेजिटेशन, एवोल्यूशन, ह्यूमन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी। अरे बायोजियोग्राफी कहाँ गई? नॉमिक, ह्यूमन, इकोसिस्टम यही होगा। यहाँ डालते हैं लैपलैंड। लैपलैंड रसिया, रेंडियर इसकी बड़ी खासियत है। रसिया, नॉर्वे, स्वीडन सब आके मिलता है। सेंटा क्लॉज विलेज है यहाँ पे लैपलैंड में। रेविनिनी लैपलैंड। लैपलैंड फिनलैंड। लैपलैंड नॉर्वे, स्वीडन, रशिया। लैपलैंड तो लैपलैंड में रहता कौन है? सामी पीपल। जी है सामी पीपल, सामी पीपल, सामी कल्चर। सामी
पीपल ऑफ लैपलैंड, सामी पीपल और इंडिजिनस फिनो पीपल इनहेबिटिंग सापमी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला पेनुसला, रसिया, लैपलैंडर्स, लैपलैंड, लैप्स बोलते हैं। देयर ट्रेडिशनल लैप्स एंड लैपलैंड सामी पीपल के लिए बोलते हैं। फिशिंग, ट्रैपिंग, सी बर्डिंग एंड रेंडियर हर्डिंग मेन है, 1 लाख के आसपास हैं। फायर की जरूरत पड़ती होगी इनको। समझ गया। तो ये कहाँ के हैं भाई? पांडुम और पडाउंग पीपल कहाँ के हैं ये और देख लेते हैं। पडाउंग, 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 ये गले में ये डाल लें, पडाउंग, ये कहाँ के हैं? पडाउंग कायन पीपल म्यांमार के हैं। पडाउंग ये है म्यांमार के। पडाउंग गर्दन को लंबी करने के लिए क्या क्या करते हैं भाई लोग? पडाउंग जिराफ बनना चाहते हैं क्या? पढ़ाऊँ तो बड़े अजीब है भाई। और कौन कौन से हैं? हामर और हिम्बा। हामर पीपल अफ्रीका के लग रहे हैं। हामर इथियोपिया के हैं। पहले काम करता हूँ मैं। साउथ ईस्ट एशिया में जाता हूँ। और यहाँ ह्यूमन जियोग्राफी में मैंने मलेशिया के सेमांग डाले थे। पडाउंग भी डालता हूँ पहले तो। पडाउंग पडाउंग ऑफ म्यांमार। जीरा पड़ा ऑफ म्यान मार, पड़ाऊंग ऑफ म्यान मार। और कौन से भैया? हामर, हामर इथियोपिया के हैं। इथियोपिया, अरे ये क्या कर रहे हैं नंगे दुड़ंगे? हामर और इथियोपिया दे प्लेस हाई वैल्यू ऑन कैटल। हामर आर नोन फॉर देयर यूनिक कस्टम ऑफ बुल जंपिंग व्हिच इनिशिएट्स अ बॉय इनटू मैनहुड। फर्स्ट फीमेल रिलेटिव्स डाउंस एंड इनवाइट व्हिपिंग फ्रॉम मैन हु हैव रिसेंटली बीन इनिशिएटेड। दिस सपोज देयर सपोर्ट ऑफ द इनिशिएट एंड देयर स्कार्स गिव देम अ साइन हु दे मैरी। द बॉय मस्ट रन बैक एंड फोर्थ ट्वाइस अक्रॉस द बैक ऑफ अ रो ऑफ बुल्स और कैस्टेटेड स्टीयर्स एंड ही इज रिडिकूल्ड इफ ही फेल्स। हामर हामर पीपल, हामर पीपल पढ़ाऊंग तो हो गए। हामर पीपल का कस्टम है बुल जंपिंग का। अरे ये देखो यार, पढ़ाऊंग पढ़ाऊंग हामर हामर बुल जंपिंग वाले। अरे इसको तो कोड़े पड़ रहे हैं भाई बैंक। अरे ये क्या है?
बड़ी पिटाई करते हैं एक दूसरे की। चलिए हामर के बारे में जान गए इथियोपिया के, और पडाउंग भी जान गए, इसी बहाने सामी भी जान गए। सामी तो हो गए स्वीडन वाले, पडाउंग हो गए म्यांमार वाले, हामर हो गए इथियोपिया वाले, हिम्बा बचे खाली। हिम्बा और कर लेता हूँ मैं, हिम्बा हिडिम्बा हिम्बा हिम्बा, ये भी अफ्रीका के। हिम्बा 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 आर इंडिजिनस ट्राइब विद इन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 50,000। नामीबिया, अंगोला, ओबात्वा, हंटर गैदरर, नाइजर कांगो, हिम्बा, हंटर गैदर सबसिस्टेंस इकोनॉमी, हिम्बा प्रोड्यूसिंग इंसेंस, सब हिम्बा है। हिम्बा बस, और गुड। हिम्बा पीपल ऑफ नामीबिया, हिम्बा पीपल ऑफ नामीबिया, स्मार्ट लग रहे हैं। आई लाइक इट। भाई सामी हो गए फिनलैंड के, पडाउंग हो गए म्यांमार के, हामर हो गए अफ्रीका के, हिम्बा, लेकिन हामर जो है थोड़े वायलेंट टाइप के, हिम्बा ठीक है। लैपलैंड में कौन रहता है? सामी रहते हैं, हिम्बा और हामर अफ्रीका के, पडाउंग म्यांमार के। सामी लैपलैंड, पडाउंग म्यांमार, हिम्बा हामर अफ्रीका। सामी लैपलैंड, पडाउंग म्यांमार, हामर हिम्बा अफ्रीका। टुआरेग इज ए पेस्टोरल नोमेड लिविंग इन द डेजर्ट। टुआरेग तो अरेबिया, नहीं, अच्छा सब है। कहालाहारी तो नहीं है, पेटागोनिया नहीं है, सहारा और अरेबिया, तो सहारा के होंगे। टुआरेग इज ए पेस्टोरल नोमेड लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ सहारा, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर में जो रहते हैं वो टुआरेग हैं। टुआरेग भी मुझे देखे हुए हैं, बट देख लेते हैं। तुआरेग अल्जीरिया के हैं, तुआरेग ये हैं। तुआरेग बर्बर भी तो ऐसे ही लगते हैं, बर्बर थोड़े से गोरे होते हैं, तुआरेग थोड़े से सांवले सांवले होते हैं। तुआरेग डेजर्ट में बचने के लिए इस टाइप के कपड़े पहने रहते हैं, धूल से बचने के लिए। ये क्या पहना है? ठीक, तुआरेग हो गए। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सेल्वास फॉरेस्ट लैंड होता है, ट्रोपोफाइट्स मॉसेस एंड लीचेंस तो नहीं होगा, इफीफाइट्स ग्रासेस एंड ट्रीज। सेल्वास ग्रासेस एंड ट्री हो सकता है, सवाना ग्रास लैंड है, टुंड्रा में मॉसेस एंड लीचेंस मिलते हैं, मानसून लैंड्स में इफीफाइट मिलते होंगे आई थिंक, सेल्वास में है ट्रोपोफाइट्स। अभी ट्रोपोफाइट्स क्या होते हैं? ट्रोपोफाइट्स, ट्रोपोफाइट है क्या? ट्रोपोफाइट एनी प्लांट दैट लिव्स इन एन एनवायरनमेंट इन विच हैवी रेनफॉल अल्टरनेट विद पीरियड ऑफ ड्रॉट। रेन ड्रॉट, रेन ड्रॉट, रेन ड्रॉट, ट्रोपोफाइट होता है। रेन ड्रॉट, रेन ड्रॉट, ट्रोपोफाइट, रेन ड्रॉट, रेन ड्रॉट, ट्रोपोफाइट।
हाइड्रो हाइगो जीरो ट्रोपो जीरो फाइट्स टोपोफाइट्स में ये हैं आई थिंक टोपोफाइट्स टोपोफाइट्स हाइड्रो हाइग्रो तो मैं देखना चाहता था सेलवास 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 बढ़िया अच्छा खासा फॉरेस्ट लैंड है इन्हीं को बोलते हैं शायद ट्रोपोफाइट्स हैं सेल्वास अरे बाप रे कांगो ग्रैंड फॉरेस्ट में खतरनाक सांप है तो सेल्वास सेल्वास हो गए आई थिंक ट्रोपोफाइट्स सवाना हो गए ग्रासेस एंड ट्रीज टुंड्रा हो गया मॉसेस एंड लाइकेंस मानसून लैंड हो गया इफीफाइट्स इफीफाइट्स क्या होता है इफीफाइट्स मतलब इंडिया में इफीफाइट्स 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 और ट्रोपोफाइट्स इफीफाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट एंड डिराइव्स इन मॉइस्चर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एयर एंड वाटर आर फ्रॉम डिब्रीज एक्युमुलेटिंग अराउंड प्लांट की सरफेस पे जो उग जाते हैं उन्हें इफीफाइट्स बोलते हैं वो प्लांट की सरफेस पे उगने वाले इफीफाइट्स मानसूनल फॉरेस्ट में आते हैं जब बारिश होगी तो इफीफाइट्स पैदा हो जाएंगे अमंग द सार्क कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज बांग्लादेश विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर आई थिंक केन्या है बिनई नहीं है कोलंबिया हो सकती है वेनेजुएला नहीं है कोलंबिया और केन्या इक्वेटर पे कंट्रीज देख लेते हैं कंट्रीज ऑन इक्वेटर एक एक की लोकेशन देखते हैं ये है तो मिलाते चलो ब्रुनई ब्रुनई इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर चला गया ब्रुनई इक्वेटर से ऊपर है कोलंबिया कोलंबिया है इक्वेटर पे ही है कोलंबिया इक्वेटर पे ही हाई केन्या केन्या भी तो खूब सारा इक्वेटर पे है सबसे बड़ा तो कॉन्गो है इक्वेटर पे है वेनेजुएला वेनेजुएला इक्वेटर से ऊपर चला गया इक्वाडोर हो सकता था कोलंबिया हो सकता था ब्राजील हो सकता था गाइबन हो सकता था कांगो युगांडा सोमालिया कीनिया जमालदीव हो सकते थे इंडोनेशिया हो सकते थे किरिबाती हो सकता था सोमालिया भी हो सकता है लेकिन वेनेजुएला नहीं है बने नहीं है कोलंबिया और केन्या मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड एरी मिशिगन ओंटारियो सुपीरियर और सिटीज बतानी है सुपीरियर मिशिगन ओंटारियो एरी कौन कौन सी हैं ड्यूलथ डेट्रॉयट गैरी हैमिल्टन डेट्रॉयट तो मुझे पता है मिशिगन के पास है शायद डी सही मतलब ए का टू यानी कि एरी जो है वो डेट्रॉयट पे है मतलब गलत निकल गया एरी डेट्रॉयट पे है बी का थ्री मिशिगन गैरी मेरी डेट्रॉयट पे नहीं डेट्रॉयट एरी पे है ये बोलना चाहिए ना ए का टू डेट्रॉयट एरी पे है बी का थ्री मिशिगन गैरी मिशिगन पे है सी का फोर ओंटारियो हैमिल्टन हैमिल्टन ओंटारियो पे है और डी का वन सुपीरियर पे डूलत है अच्छा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर काफी क्वेश्चन है अभी तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो एरिया के टर्म्स में ब्राजील सबसे बड़ा होगा
फिर इंडिया ब्राजील से बड़ा तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है लेकिन ब्राजील से बड़ा नहीं है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना पांचवें, छठे, सातवें, आठवें पे हैं। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कोई ऑप्शन है ही नहीं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा दिखा रखा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, अर्जेंटीना। यूपीपीसी से 2000 वाला गलत क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, अर्जेंटीना। मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द वर्ल्ड, गोबी, चाइना, सहारा अफ्रीका, कालाहारी अफ्रीका, थार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ साउथ एशिया? अर्बनाइज्ड, पाकिस्तान काफी अर्बनाइज्ड है, सिटीज में रहते हैं लोग, अर्बन करेक्टर हो चाहे ना हो लेकिन रहते तो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ग्रुप, रेशियल ग्रुप्स द नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिलोंग? इन चारों में से किस रेशियल ग्रुप में नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स हैं? नेटिव, नेटिव मतलब जो नॉर्थ अमेरिका के ओरिजिनल लोग हैं, इंडियंस जिनको बोलते हैं। इंडियन जो है नॉर्थ अमेरिका, वो मंगोलाइड रेस के हैं, मंगोलाइड रेस के हैं नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आप देखो, नेटिव इंडियन, नेटिव इंडियन, ये देखो शक्ल उनकी मंगोलाइड है, मंगोलाइड फीचर्स है। हाँ, टैगा, टैगा फॉरेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, टैगा टुंड्रा से जस्ट नीचे वाला तो टेम्परेट रीजन होगा। शुक्ला फंटा वाइल्ड स्फीयर रिजर्व, भाई शुक्ला फंटा वाइल्ड स्फीयर रिजर्व नेपाल में है। शुक्ला फंटा वाइल्ड स्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ के, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टाइम में ये सब कहाँ कहाँ के क्वेश्चन पूछते थे। पेपर पहले ही आउट कर देते थे, बाकी असली पेपर में इधर उधर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व लोगों को याद नहीं, नेपाल के बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहे हैं। शुक्ला फंडा बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे पूरी दुनिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व होंगे? सबका तो है ना, कोई प्रिपरेशन करने वाला याद रख पाएगा? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है शुक्ला फंडा बायोस्फीयर रिजर्व, शुक्ला फंडा बायोस्फीयर रिजर्व नेपाल। लार्जेस्ट कोरल लीफ ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट कोरल लीफ ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में है, गेट बैरियर रीफ। द सेकेंड डबलिंग पीरियड ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्लैब? द सेकेंड डबलिंग पीरियड ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम स्लैब? 1850 से 1930 के बीच में पॉपुलेशन डबल हो गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज 500 मिलियन बाई 1650, 1850 में 1000 मिलियन हो गई, डबल हुई। अगली डबलिंग हुई 1650 से 1850, नहीं 1650 से 1850 फर्स्ट डबलिंग कहलाती है, 1850 से 1930 सेकेंड डबलिंग कहलाती है, और उसके बाद की डबलिंग। द रेड इंडियंस और द अमेरिकन इंडियन बिलोंग्स टू मंगोलाइडियंस? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद द कैस्पियन सी? इराक। वॉट इज द नेम ऑफ द मिड लेटिट्यूड ग्रास लैंड इन द साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में पैम्पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिवाइड ऑफ ग्लासो ट्रिस फ्लोरा? ग्लासो ट्रिस फ्लोरा ही जानने क्या होता है। ग्लासो ट्रिस फ्लोरा फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, दे आर नॉट फाउंड इन नॉर्वे। ग्लासो टेरिस फ्लोरा होता क्या है पहले तो वो जाने ना। ग्लासो टेरिस फ्लोरा, ग्लासो टेरिस फ्लोरा कोल सीम्स नॉर्वे में नहीं है।
इन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन जियोग्राफर्स आर मोस्ट कंसर्न्ड विद डेंसिटी डिफ्यूजन एक्सेसिबिलिटी पेडेस्ट्रियन सिटीज. स्पेशियल इंटीग्रेशन इज अ डायनेमिक फ्लो प्रोसेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. इन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ इट जियोग्राफी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी. अगर हमें स्पेशियल इंटरेक्शन करना है तो एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी देखेंगे ना. तो सी When 0 to 14 and 15 to 44 age groups population of a country is almost identical, the growth of a population would be called zero growth. अगर 0 से 14 और 15 से 44 अगर identical है तो इसका मतलब है कि 15 से 44 में जो parents बन सकते हैं और 0 से 14 जो बच्चे हो रहे हैं वो same, यानी कि growth of population नहीं हो रही है, zero growth rate, because the fertility जो है वो nil है, मतलब बराबर बने हुए हैं. Which of the following is the odd one out of the group? Peri Pampa Savanna Steppe. Peri North American temperate, Savanna African, Pampas temperate, Steppe temperate, Savanna tropical. B. Which one of the following is not a biotic resource? Freshwater petroleum, coal fish. Freshwater koi biotic resource nahi, coal fish petroleum hai. Which one of the following tribal groups is dominantly found in the Blue Mountains? Blue Mountains India wale. कौन से मिजोरम वाले कि कौन से तमिलनाडु वाले हैं? अगर तमिलनाडु वाले हैं तो वहाँ पे टोडा मिलते हैं, लंबाड़ा राजस्थान, जरावा अंडमान, गोंड हर जगह मिलते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, टोडा ब्लू माउंटेन में टोडा. खासी इज खासी कैसी लैंग्वेज है? ऑस्ट्रो एशियाटिक है, साइनो तिब्बतन है. अगर ऑस्ट्रो एशियाटिक है कि मुंडा है कि मून खमीर है. अगर साइनो तिब्बतन है तो असमज है कि असम म्यांमारी है. आई थिंक खासी जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ये कम्बोडियन और मून खमीर टाइप की है. तो एंड द मुंडा ब्रांच जो होती है विच इज स्पोकन इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया, तो ए मुंडा ब्रांच से रिलेटेड है लिखा. तो मून खमीर भी है, रिलेटेड है मून खमीर से, बट मुंडा से रिलेटेड है. खासी इज मुंडा ब्रांच ए. मीना माता डिजास्टर जापान में पोल्यूशन किस वजह से हुआ था? मरकरी, मरकरी मीना माता. इट वॉज कॉज बाय रिलीज ऑफ मेथाइल मरकरी इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फॉर्म चीजू कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री से मेथाइल मरकरी निकला था. इरिटेशन इज ऑइस्ट इज कॉज बाय द पोल्यूटेंट. इरिटेशन इन आइस परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन से होता है. Which of the following pollutants affect the respiratory tract in human? Carbon monoxide. Which of the following pollutants not emitted from the transport sector? Chlorofluorocarbon transport se nahi aate, nitrogen oxygen carbon dioxide mein hydrogen to aayenge. Which of the following is not a source of pollution in soil? Transport. Main precursors of winter smog, NOx and hydrocarbon. SOx and hydrocarbon. समर स्मॉग NOx एंड हाइड्रोकार्बन से होता है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग होता है. विंटर स्मॉग SO2 एंड हाइड्रोकार्बन से होता है. विंटर स्मॉग SO2 एंड हाइड्रोकार्बन, विंटर स्मॉग SO2 एंड हाइड्रोकार्बन से होता है. इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट. द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग तो NO2 और SO2, लेकिन उससे बनते तो ये है ना SHO पेन. डाइऑक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं कंबसन ऑफ प्लास्टिक से. ए ट्री फॉर एवरी चाइल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम. मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सरफेस ओजोन किससे बनता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरफेस ओजोन को, टेक्सटाइल और सीमेंट प्लांट और केमिकल इंडस्ट्री नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है.